यार टोटल धमाल सबसे प्रथम बात ये है कि मेरे हिसाब से औसत फिल्म है, ये सिर्फ मेरा हिसाब है और मेरी विचारधारा है। आप एक बार फिल्म देखने जाएं और एक बार अपना अपना विजन एक्सप्लोर करें, क्योंकि मैं हमेशा रिव्यूज़ देखने के बाद भी फिल्म देखने जाता हूं, क्योंकि एक छोटी सी स्क्रिप्ट पे एक 10-20 पन्ने 70-80 पन्ने 100 पन्ने पे इतनी बड़ी फिल्म बन जाती है, इतना एफर्ट डायरेक्टर करता है। देखिए लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म के आप राइटिंग पर थोड़ा काम करते और आप जो आप कॉमेडी सीन्स है उस पर काम करते, क्लाइमेक्स इनका अच्छा बना है लेकिन और जो सीन्स है वो ख़राब बने, आदि और मानव के की जोड़ी को छोड़ के, और वो कोई ना ही रितेश और पितुवस त्रिपाठी ने जोड़ी एकदम मतलब काम नहीं कर पा रही। खासकर रितेश को जो भोजपुरी आपने डायलेक्ट दिया है वो नहीं देना चाहिए था आपने, एकदम भोजपुरी टोन में कहा है भैया, मतलब भोजपुरी को आप एकदम स्टीरियोटाइप बना के ऐसा मतलब स्टीरियोटाइप हो गया, वो थोड़ा सा बिहारी इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कि रितेश में तो बिल्कुल नहीं फंफता, गलत एक्सपेरिमेंट है। किसी के साथ में माधुरी भी हैं, अनिल भी हैं, दो चार नए लोग और भी हैं, हाँ, उनके अलावा उनके साथ में क्या कहना चाहेंगे, कितना इंप्रेस किया कहानी ने आपको? देखिए अब जोड़ी क्या है कि अब शाहरुख खान की प्रीति जिंटा की वीर जारा वाला ला के रख दो तो अब जोड़ियाँ नहीं चलती हैं। अब हिंदी सिनेमा बहुत ऊपर उठ चुका, अब कहानियाँ चलती हैं, टैलेंट चलता है, तो कहानी और टैलेंट वाले वीक रहे, बाकी ये लोग विल के लिए मतलब आप तीन पत्ती में हम फॉरेनर एक्टर लेके आते हैं, हॉलीवुड के एक्टर लेके आते हैं लेकिन फिल्म नहीं चलती है। हाँ कहने मतलब ये अब हिंदी सिनेमा थोड़ा सा ऊपर हो रहा है कि हम स्टोरी देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा खासकर बॉम्बे जैसे मतलब मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसा है कि लोग जहाँ पे मतलब स्टोरीज देख रहे हैं वो है, मतलब गांव देहातों में ये फिल्म चलेगी और नो डाउट ये 60-70 करोड़ भी मतलब कमा ही सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म कुछ कमाल नहीं। गानों को हम देखिए, सोनाक्षी सिन्हा वाला एक था, एक आइटम सॉन्ग था हुआ था, लेकिन वही आइटम सॉन्ग देखिए क्या ना कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वही पुराने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आइटम सॉन्ग से, अब आइटम सॉन्ग से फिल्में नहीं चलती हैं भाई, आइटम सॉन्ग से सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेलर एक बार को ऑडियंस एक बार को ट्रेलर देख के पहले दिन का कलेक्शन, दूसरे दिन कलेक्शन, तीसरे दिन हो सकता है, हाँ लेकिन माउथ पब्लिसिटी उसकी अच्छी हो गई, हाँ इफेक्ट्स अच्छा है, हाँ वो 1.5 डेढ़, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। टोटल धमाल इज़ टोटल एंटरटेनमेंट एंड टोटल पैसा वसूल, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है और इस मूवी के लिए लोग इतना इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित 18 ईयर्स के बाद एक साथ आए हैं एंड दे केमिस्ट्री इज़ जस्ट मैजिकल, इवन दो द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर एंड VFX जिनको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट आई थिंक वो सब नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए, दे जस्ट इन्जॉयड ईच एंड एवरी सीन, जो डायलॉग्स हैं इतनी चीज़ी हैं, और इंद्र कुमार ऐसे डायरेक्टर हैं कि इमोशनल सीन्स हो या कॉमेडी हो या रोमांस हो, वो कुछ ऐसी मल्टी स्टार कास्ट ला के यू नो वो मूवी को इतना बीट, इश्क या और भी उनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं तो वो उनको वो आता है, ओनली ही कैन डू इट, तो इवन दो पीपल मे फील कि और बेटर हो सकती थी, बट आई थिंक द ओनली फैक्टर इज़ दैट एक तरफ अजय देवगन और संजय मिश्रा हैं, दूसरी तरफ अनिल जी और माधुरी जी, एक तरफ जावेद जाफरी और अरशद वर्सी और एक रितेश देशमुख, ऑल ऑफ देम आर सच यू नो सो गुड एट कॉमेडी, द कॉमिक टाइमिंग इज़ परफेक्ट, सो आई थिंक द डायरेक्टर हैज़ बीन एबल टू स्ट्राइक अ कॉर्ड बिकॉज इट वॉज हाउसफुल एंड पीपल वे इन्जॉइंग ईच एंड एवरी सीन, सो दैट इज़ वॉट यू नो। म्यूजिक मुझे एवरेज लगा, बट लाइक आई सेड ऑन ईच एंड एवरी यू नो दिस देयर वर सो मेनी गैग्स एंड सो मेनी जोक्स एंड सो मेनी कॉमेडी पर्चेस कि वो सब कुछ ओवर राइड कर दिया, लाइक आई सेड एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक वो VFX वगैरह सब एवरीथिंग कैन बी इग्नोर्ड। ओके माधुरी भी आई हैं इस बार और अनिल जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी और माधुरी जी के बारे में हम लोग तो मंत्रमुग्ध हो गए, उनको मंत्रमुग्ध हो गए बिल्कुल उनको देख के, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सच ग्रेट एक्टर्स हैं, उनका स्टारडम कोई उनके आस पास भी नहीं आ सकता, तो उनको हर फ्रेम में देख के इट वॉज लाइक यू आर ऑस्ट्रक, सो बहुत मज़ा आया, और उन्होंने जो कॉमेडी की, अनिल जी का एक अलग ही गुजराती एक्सेंट और माधुरी जी का महाराष्ट्रियन एक्सेंट, और दोनों की वो लाइक ऐसे मैजिकल केमिस्ट्री, तो ऑल द सीन्स दैट दे अपीयर इन आर जस्ट माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ में अगर सीजन पहली फिल्म आई है, दूसरा पार्ट आया है, अभी टोटल धमाल है, सो अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे तो यही पार्ट सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित है ना, मैं वेरी वेरी बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित, और अनिल जी और उनकी जोड़ी तो है ही बेमिसाल। VFX जैसे प्रोमोस में लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, आई थिंक इट वॉज नॉट दैट बैड टूवर्ड्स द एंड, जो भी सीन्स थे जू में लोग हंस हंस के पागल हो गए, तो वो जो भी जानवर एनिमल्स वाले सीन्स में VFX यूज़ किया, इट वॉज नॉट दैट बैड, सो आई थिंक इट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज द एंटरटेनमेंट वैल्यू इज़ सो हाई, लोगों को इतने एंटरटेन किया तो आई थिंक लोग नज़रअंदाज कर देंगे। अजय देवगन तो
वो तो अभी इतनी सारी कॉमेडी मूवीज़ में आ गए, गोलमाल सीरीज और बहुत सारी मूवीज़ में, तो उनकी कॉमेडी को तो ये किया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल एफर्टलेसली वो परफॉर्म करते हैं. 4 stars, 1 star फॉर माधुरी दीक्षित. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत कॉमेडी है, अगर आप फैमिली के साथ जा सकते हो मूवी, बहुत अच्छी मूवी आप देखो. वो तो बहुत सही है, एकदम कॉमेडी है उनका, अनिल का. तो आप भी देखो, सबको बोलो देखने, बहुत कॉमेडी मूवी है. 4.5. ओके, हाउ वाज द फिल्म टोटल ओवरऑल, कैसी लगी? बहुत मस्त है. ओके, एंड कैसी लगी आपको स्टोरी की, अगर बात करें? बहुत अच्छी स्टोरी थी, कॉमेडी बहुत था, मतलब अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित ने इतना इंप्रेस किया जितना आपने सोचा था. मतलब हां, ठीक थी, मतलब मूवी अच्छी है, मतलब फैमिली के साथ जा सकते. ओके, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कॉमेडी मूवी थी अभी, और क्या. ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? 3. अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी. ओके, एंड कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी लगी, स्टार्टिंग से और एंड तक पूरी मूवी एकदम कॉमेडी थी. और अनिल कपूर भी है फिल्म के अंदर एंड माधुरी दीक्षित भी है, तो कैसा लगा? उनका वर्क बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा किया काम, और उन्होंने दूसरे लोग को भी अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.5. ओके, कैसी लगी फिल्म आपको टोटल? फिल्म अच्छी लगी, टोटल धमाल. और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित फिर से लौट कर आए. हां, वो अच्छा लगा, उनके दोनों की जोड़ी अच्छी लगी. ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.5. द फिल्म वाज वेरी नाइस. ओके, एंड अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित दोबारा लौट कर आ रहे हैं साथ में बहुत समय के साथ, तो कैसा लगा आपको उनको इस ऑडियंस के लिए? एक्सीलेंट केमिस्ट्री. और इसी के साथ में कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.54ish. थैंक यू. ओके, सबसे पहले हाउ वाज द फिल्म, कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझको, मतलब इंतजार था टोटल धमाल का, जो बस बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छा, मतलब ये फिल्म में आने का कारण माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर थे, जिनकी जोड़ी बहुत सुपर हिट जोड़ी है, जिनके इंतजार था, और वाकई इस फिल्म में दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पसंद आया मुझे. कहानी बहुत अच्छी है, मुझको पसंद आया. एज अ कॉमेडी जो टोटल धमाल का जो सीरीज चलते आ रहा था, टोटल धमाल ने अच्छा किया. वो किसी के साथ में कितने स्टार देना चाहिए? मैं 5 and 3.5. थैंक यू. नाइस. अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित कैसे लगे आपको? थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ज्यादा कॉमेडी कोई हो ना, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश है, बहुत बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी. वो उस टाइम का याद आ गया उन लोगों का बेटा. 3.5. कैसी लगी मूवी? एक्टिंग कैसी लगी आपको अजय देवगन की? अजय देवगन की अब की बार ऐसा लगा कि लाइक थोड़ा सा ओवर है, सबकी अच्छी है. माधुरी सेम जैसे पहले थी वैसे लग रही है, कोई चेंज नहीं लुक्स में. शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. 5 में से कितने स्टार्स देंगे? अरे क्या बोल रहे हैं, 5 में से कितने स्टार्स देंगे? मैं 3 stars दूंगी. थैंक यू. इट्स नॉट गुड, इतना मज़ा नहीं आया. अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित इज रियली गुड. उनका जो केमिस्ट्री है, वो जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको देखने में, एंड दे वर द प्लस पॉइंट ऑफ द फिल्म डेफिनेटली. हाँ, कहानी इतनी कुछ खास नहीं थी, कहानी बस सेम वही, एक बंदा मर जाता है, फिर वो लोग ढूंढने जाते हैं, फिर लालच, फिर दे रियलाइज की लालच बुरी, मतलब वही इतना. हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहली वाली बहुत अच्छी थी, पहली वाली इतनी अच्छी थी कि मतलब टीवी में आएगी तो हम लोग देखेंगे. म्यूजिक तो कुछ था नहीं, एक वो पैसा वाला गाना अच्छा था बस, बाकी तो कुछ. 2.5. खास नहीं लगी मुझे. एंड कहानी कैसी लगी सर आपको? कहानी तो कुछ होती ही नहीं ना इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं कहानी में. वो तो जैसे मैड मैन वर्ल्ड पिक्चर थी. एवरीबॉडी इज गुड ना, ऑल गो इन द सेम कैटेगरी. जावेद जैफरी थोड़ी लाइटेड है बस. इसी के साथ में पहले से और पहली और दूसरी से बेटर है ये कि वो ज्यादा बेटर. नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे मतलब पहले देखी तो अच्छी लगी, अब वो कंटिन्यू आती जा रही है तो नहीं जम रही अभी. ओके, स्टार कितने देना चाहिए? 2.5. मुझे तो बहुत अच्छी लगी, फुल ऑफ कॉमेडी. कहानी के बारे में कुछ बताइए. क्या इट वाज समथिंग न्यू, लाइक आई फेल्ट इट वाज नाइस, लाइक ओके. फिल्म में अजय देवगन है, बहुत बड़ी कास्ट है, माधुरी दीक्षित है, अनिल कपूर है,
एक्चुअली काम तो सबने बहुत अच्छा किया, बहुत ही सबने अच्छा किया. वैसे तो अजय देवगन, माधुरी दीक्षित सब लोग अब बहुत अच्छे एक्टर हैं. अच्छे है एज यूजुअल दे हैव डन. आई विल गिव 8 out of 8 8 5 में से 5 में से 4.